नमस्कार दर्शकों, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष नवरात्र स्पेशल कार्यक्रम में। और मैं हूँ आपके साथ पूजा। नवरात्र का पावन अवसर चल रहा है, हर जगह माता रानी की पूजा अर्चना की जा रही है। और आज नवरात्र का आठवां दिन है। आठवें दिन माता रानी के अष्टम स्वरूप यानी कि माता गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। तो आठवां दिन क्यों है खास? क्योंकि आज के दिन पे हर जगह माता रानी की पूजा अर्चना के साथ साथ अष्टमी पूजन का भी विशेष महत्व है, कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। तो कैसे आप कन्या पूजन करें, कैसे माता रानी की पूजा अर्चना करें, कैसे माता रानी को प्रसन्न करें, इस पे सवाल जवाब के साथ काफी तरह की बातें करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश विदेश के जाने माने ज्योतिष आचार्य डॉक्टर शैलेश तिवारी जी। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी का स्वागत करेंगे, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जय माता दी। जय माता दी। जी बिल्कुल। तो शंखनाद से कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। हम भी यही कामना करते हैं कि आपके घर में भी माता रानी की स्थापना हो चुकी होगी, आप लगातार माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे होंगे। पर आज का जो दिन है वो बेहद खास है, क्योंकि आज माता रानी के आठवें स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। आप किस तरीके से पूजा अर्चना करें, आज का दिन बेहद खास क्यों है, वो जानेंगे आचार्य जी से। आचार्य जी, अष्टमी के दिन माता गौरी जी की पूजा की जाती है, अष्टमी का क्या महत्व है नवरात्रों के दिनों में? कहा गया है अष्टम महागौरी, अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा है। आज दिन रविवार है और प्रातः काल 7:45 से ही माँ गौरी की पूजा का विशेष महत्व है। माँ गौरी जो माँ पार्वती हैं, भगवान शिव को विशेष रूप से उन्होंने आराधना किया, ध्यान किया, साधना किया, तपस्या किया, तब उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त किया। जब उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त किया, उस समय भगवान की भक्ति करते करते माता का रूप जो है वह काला रूप हो गया, वह पूरी तरह से काला हो गया था। भगवान शिव ने माता के ऊपर गंगा जल छिड़क करके उन्हें महागौरी गौर वर्ण का सोने के समान का सदृश माता का रूप को कर दिया। महागौरी विशेष रूप से विशेष अनुकंपा करती हैं अपने भक्तों के ऊपर। अष्ट भुजाधारी हैं माता, और माता अपने भक्तों को शीघ्र फल देने वाली हैं। महागौरी की पूजा के समय प्रातः काल से ही हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, जिसमें शापोद्वार करके अर्घला की कवच के साथ हम 13वां अध्याय का पाठ करते हैं। आज के दिन कंचक पूजन का विशेष रूप से महिमा का वर्णन किया गया है। 9 देवियों की 9 अपने घर में कुंवारी कन्याओं को बुलाते हैं मान सम्मान के साथ। जो कुंवारी कन्याएँ 10 साल से कम उम्र की होती हैं और 2 साल से बड़ी होती हैं, उन कुंवारी कन्याओं को घर पर मान सम्मान के साथ बुलाकर उनका चरण धो करके, उनको तिलक लगा करके, उनको आसन दे करके, उनको पर्याप्त भोजन कराते हैं। भोजन कराने के बाद उनको दान दे करके, द्रव्य धन पैसा, इसके बाद उनके चरण छू करके प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। यही कंचक पूजन है। कंचक पूजन का जो विशेष महामुहूर्त है, कुछ लोग अष्टमी को कंचक पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी को कंचन पूजा करते हैं। अष्टमी के कंचक पूजन का विशेष महिमा का बखान किया गया है देवी भागवती पुराण में, ब्रह्म पुराण में भी इसके विशेष रूप से चर्चा की गई है। आप कंचक पूजन में देवियों को पूजा करके उनसे आशीर्वाद लें। इसके बाद रात्रि काल में जो है माता को विशेष रूप से श्रृंगार का महत्व है। सायंकाल आरती के बाद श्रृंगार करें, माता को खीर का भोग लगाएं, मखाना की बनी हुई दूध से बनी हुई खीर का भोग लगाएं। दुर्गा सप्तशती का विशेष यह महामंत्र जो सबको याद है, सबको पता है, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते, यह विशेष महामंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः, या महागौरी का विशेष महामंत्र है। इस मंत्र का विशेष रूप से पाठ करें, घर में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके माँ भगवती का दुर्गा चालीसा का पाठ श्रवण करें, दुर्गा चालीसा का पाठ अपने घर में ऑडियो लगा करके सुने। विशेष रूप से महागौरी का आज का पूजा का श्रृंगार का ज़्यादा महत्व है। माता श्रृंगार से शीघ्र प्रसन्न होती हैं। घर में
जो भी दंपति हैं एक साथ पूजा करें, और विशेष रूप से माता की पूजा के समय ध्यान रखना है ज्योत ना बुझे, जो अखंड ज्योत जल रहा है वह ज्योत जलते रहना चाहिए। महागौरी की पूजा के समय पति पत्नी अगर गठबंधन करके पूजा करें तो दोनों की दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, पति दीर्घ आयु का प्राप्त करता है। माता को लाल सिंदूर बहुत ज़्यादा पसंद है, माता को लाल चुदरी बहुत ज़्यादा पसंद है, गोल्डन कलर की अगर साड़ी चढ़ाते हैं तो वह भी बहुत ज़्यादा पसंद है। माता को उड़हुल का फूल और उजला कनेर का फूल विशेष पसंद है। जी बिल्कुल, और कहा यह भी जाता है कि नवरात्रों के दिनों में आप माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें जो जो पसंद है वो कार्य करें, क्योंकि माता रानी नवरात्रों के दिनों में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और वैसे भी नवरात्र के आठवें दिन में माता गौरी की पूजा अर्चना की जाती है, माता गौरी को श्रृंगार बहुत पसंद है जैसा कि आचार्य जी ने बताया। और आचार्य जी, वैसे नवरात्र के नौ दिनों में माता का जो श्रृंगार होता है वो बदलता जाता है, और मंदिरों में देखा भी जाता है कि माता के स्वरूप की तरह से माता साक्षात जो है वो नजर आती है। पर श्रृंगार के साथ साथ यदि बात करें कि माता को किस तरीके से प्रसन्न करें प्रसाद के हिसाब से, क्योंकि आपने फूल के बारे में बताया, तो माता को भोग में क्या चढ़ाना चाहिए? माता को भोग में पंचमेवा का प्रसाद चढ़ाएं, किशमिश चढ़ाएं, किशमिश से माता प्रसन्न होती हैं, मखाना की खीर चढ़ाएं, और साथ ही साथ मेवे पंचमेवा चढ़ाएं, गाय के दूध का बनी हुई खीर चढ़ाएं तो माता ज्यादा प्रसन्न होगी। जी, तो आपने सुना कि किस तरीके से माता गौरी की पूजा अर्चना करें, क्या करें, कैसे माता रानी को प्रसन्न करें। तो आपने भी घर में कलश स्थापना किया हुआ है, माता रानी की पूजा अर्चना लगातार आप कर रहे हैं, तो आज नवरात्र के आठवें दिनों में माता रानी की पूजा अर्चना आपको कैसे करनी है वो हम आपको बता रहे हैं। पर आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। तो आचार्य जी, आपने बताया कि आज कन्याओं को क्या क्या दान में दिया जाए, कैसे पूजा किया जाए, पर कई ऐसा देखा जाता है कि कन्या के साथ एक बालक की भी पूजा की जाती है, तो उसका क्या विशेष महत्व है? बिल्कुल, भैरव की पूजा साथ में होती है। कन्या अगर नौ कन्याएं होती हैं तो उनके साथ में एक भैरव भी आते हैं बाल रूप में, उनकी पूजा का विशेष महत्व है। कन्या को प्रसन्न करके घर से विदा करने पर माता की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है, माता पूरी तरह से आशीर्वाद देती है। जो कन्याएं अपना मन के अभिरुचि के अनुसार भोजन करना चाहती हैं उनको ठीक से भोजन कराएं, उनको रुपए पैसे दें, पैसे देने से जो है बच्चे बाल कन्याएं बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, उनको पैसे दें, उनको पैर छू करके प्रणाम करें, उनके पैर को जल से धो करके स्नान, पैर को स्नान करा करके फिर आप प्रणाम करें तो विशेष रूप से माता प्रसन्न होती हैं। और कहा जाता है कंचक में ही माता का वास है, कोई नहीं जानता कि किस रूप में माता आपके घर आ जाएंगी, क्योंकि आप ज़्यादातर वही कन्याओं को बुलाती हैं जिसे आप जानते नहीं, अननोन कन्याओं को बुलाया जाता है, और किस रूप में माता कब कैसे आ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए माता को कंचक को माता का रूप मान करके नौ दुर्गा की तरह नौ कंचक को अपने घर में बुलाएं, उनको यथा शक्ति अपना दान दें। रात्रि में विशेष रूप से कहा जाता है कि चंपा चमेली का तेल का दीपक जलाएं, अष्ट दल कमल दल बना करके, या फिर स्वस्तिक जो है रोली से स्वस्तिक बना करके उस पर दीपक रखें, और उस समय नमो देव्य महादेव्य शिवाय सततम नमः नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता अश्मताम इस महामंत्र का जप करें, माता बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रही। जी बिल्कुल, और दर्शकों कई बार ऐसे भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं आचार्य जी कि अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें या नवमी के दिन, पर आपने बताया कि अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, और नवमी में कन्या पूजन के साथ साथ अपने व्रत की समाप्ति भी करते हैं। तो जो नवरात्र में नौ दिनों का जो लगातार जो भी श्रद्धालु है जो व्रत रखते हैं उनकी पूजा की समाप्ति कब होनी चाहिए? देखिए, नवरात्रि में पहला दिवस महत्वपूर्ण होता है कलश पूजन का, और निरंतर पूजा चलती रहती है। सातवें दिवस जो है रात्रि में निशावली का महत्व है, कालरात्रि की पूजा का विशेष महत्व है। अष्टम दिवस जो है उसमें कंचक पूजन का महत्व है, और नवें दिन जो है उस दिन हवन का महत्व है, जो आप नौ दिन से सिद्धियाँ प्राप्त करते आ रहे हैं, सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। नौवें दिन आप हवन करते हैं, तर्पण करते हैं, मार्जन करते हैं, बाद में जो आपके घर ब्राह्मण पूजा करा रहे हैं उनको आप दान दे करके समापन करते हैं।
9 दिन पूजा का विशेष महत्व है। पूजा की पूर्णता 9 दिन होती है। जो लोग व्रत में हैं वो 9 दिन पारण नहीं करेंगे बल्कि 10वें दिन पारण करेंगे जो फलाहार पर हैं। और अष्टमी पूजन कंचक पूजन के लिए प्रसिद्ध है, महागौरी के श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है। महागौरी को श्रृंगार प्रिय है, अष्टभुजी महादेवी हैं, महागौरी हैं, जो भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। उनके रूप का पूजन का महत्व है। और नवम पूजन जो है सिद्धिदात्री का पूजा का विशेष महत्व है। सारी रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त करता है, अस्त्र सिद्धि नवदिधि को लोग प्राप्त करता है। 9वें दिन शुभ मुहूर्त में हवन होना जरूरी है और हवन होने के बाद तर्पण मार्जन जरूरी है। इसके बाद ब्राह्मण भोजन जरूरी है। 9 दिन जो है कलश पूजन रोज होना चाहिए। अष्टमी के दिन विशेष रूप से कलश के ऊपर नारियल को आप जो है गोल्डन कलर के स्वर्ण तरह स्वर्ण का वस्त्र में लपेट करके और नारियल के ऊपर स्वर्ण की तरह कपड़े लपेट करके माँ गौरी को विशेष रूप से ध्यान करें और नवार्ण मंत्र का जप करें तो ही माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। कहा जाता है कि उजला कनेर का फूल भी माता को बहुत ज़्यादा प्रिय है। माता गौर वर्ण की हैं, ज़्यादा दुधिया उजला जो है माता का प्रसाद भी बहुत ज़्यादा रुचिकर है, माता बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। अष्टम महागौरी च, अष्टम जो है महागौरी अपने आप में महाशक्ति देती हैं, सभी कामनाओं को पूर्ति करती हैं। इसलिए आज के दिन चूँकि रविवार भी दिन है और विशेष रूप से प्रातः काल जो है वह चर लाभ और अमृत की चौघड़ियाँ होती हैं, जिसमें आप 9:15 बजे से लेकर 12:15 बजे के बीच अपना दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण कर लें। नित्य प्रतिदिन की तरह कलश स्थापन की जहाँ पूजा होती है वहाँ ज्योति का पूजन करें। नवग्रह 10 दिशा 10 दिक्पाल पंच देवता 16 मातृका 64 योगिनी इन सब की पूजा करें। जी बिल्कुल, तो जाना आपने कि कैसे नवरात्र में कलश स्थापना के साथ साथ माता गौरी की पूजा अर्चना करें। पर कई बार ये भी देखा जाता है कि जब माता की विदाई होती है तो बहुत बुरा लगता है। आचार्य जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अष्टमी के दिन कितनी कन्याओं के पूजन का विशेष महत्व है। देखिए नवरात्रि में 9 कन्याओं का, चूंकि माता देवी का 9 स्वरूप है इसलिए 9 देवियों का पूजन का ज़्यादा महत्व है। और 9 देवियों के साथ एक बटुक का जरूरी है, बटुक साथ में होता है, बालक स्वरूप जो है वह साथ रहे तो अच्छा है। और जो 9 कन्याएं, चूंकि 9 देवियां हैं, माता का 9 स्वरूप है, माता का 9 दिवस का पूजन का महत्व है, इसीलिए 9 कंचक का 9 देवियों का पूजा का विशेष महत्व है। अगर 9 नहीं मिल पाए तो फिर ऑड संख्या में, चाहे विषम संख्या में, चाहे 1 को बुलाएं, 3 को बुलाएं, 5 को बुलाएं, 7 को बुलाएं, लेकिन अगर मिल जाएं तो 9 कन्याओं का पूजन बहुत ज़्यादा लाभकारी है। जी बिल्कुल, तो कन्या पूजन से क्या किस प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है, शुभकारी है वो आपने बताया। पर आपने हमारे पहले कार्यक्रम में ये भी बताया था कि शादी को लेकर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो माता की किस स्वरूप की पूजा करें, बच्चों को लेकर कोई दिक्कत आ रही है, पर कन्या पूजन जो लोग करते हैं उन्हें किस प्रकार की फल की। देखिए कन्या पूजन विशेष रूप से हम मान के चलते हैं कि 9 देवियाँ हमारे घर आई हैं, माता स्वरूप में आई हैं, इसलिए 9 देवियों का प्रतीक है, ऐश्वर्य का प्रतीक है, धन धान की वृद्धि का प्रतीक है, ऐश्वर्य संतान प्राप्ति हर तरह का सुख समृद्धि का प्रतीक है कंचक का पूजन, 9 देवियों का पूजन। और 9 देवियों का पूजन करते हैं तो उनको खुशी से विदा करें और खुश होकर के जब जाएंगी तो घर में खुशियाँ आएंगी। माता का रूप है 9 कंचक, 9 कन्याएँ और बाल कन्याएँ जिनकी आयु 10 साल से नीचे हो और 2 साल से ज़्यादा हो, साथ में एक बटुक, तब उसका पूजा का विशेष महत्व है। और उनको आसन दें, जब आपके घर कोई गेस्ट अतिथि आता है तो उनको आसन का महत्व है, तो उनको सम्मान पूर्वक आसन दें उन कन्याओं को, 9 कन्याओं को, वही लाभकारी है। जी बिल्कुल, और देखा भी जाता है कि घर में वो रौनक ही अलग देखी जाती है जब कन्या पूजन होता है। तो आप भी कन्या पूजन करें, 9 कन्याओं का पूजा अर्चना करें, क्योंकि किस रूप में माता रानी आपके द्वार आ जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। और तभी कहा जाता है कि नवरात्रों में माता रानी आपकी सारी मुरादें
पूरी करती हैं। पर जिस खुशी और हर्षोल्लास के साथ हम कलश स्थापना करते हैं नवरात्र के पहले दिन, माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना करते हैं, उसी खुशी के साथ आप माता रानी को विदा भी करें, क्योंकि आचार्य जी देखा जाता है आंखें नम होती है, लोग उदास हो जाते हैं, क्योंकि 9 दिन का जो माहौल होता है वो पूरे हर्षोल्लास के साथ, चाहे वो मंदिर हो, घर में घर हो, लोग बहुत ही खुशी खुशी इस पर्व को मनाते हैं। पर जब माता रानी को विदा करते हैं तो मन उदास तो होता है, पर एक विदा करने का जो तरीका होता है, कलश स्थापना जिस प्रकार से की जाती है, उसकी समापन कैसे करें, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जब जैसे नवरात्रि में 9 दिन तक पूजा होती है तो ऐसा मान के चला जाता है, ऐसा लोग को ऐसी अनुभूति होती है कि माता घर में पुत्री स्वरूप आई हैं, माता जो हैं हमारे घर में आकर के आशीर्वाद दे रही हैं। और जब उनकी हम विदाई करने लगते हैं तो जैसे बेटी को अपने घर से अपने ससुराल जाने लगती है तो जिस तरह परिवार के सदस्य लोग रोने लगते हैं, उसी तरह माता जब 9 दिवस तक अपने घर में रहती हैं यहाँ, और जब पूजन करने के बाद लोग विदा करने लगता है तो अंदर से दुख होता है, लोग रोते हैं कि माता पुनः वापसी हो और आपका फिर से उसी तरह का मान सम्मान के साथ पूजन हो, वह ज़्यादा विशेष महत्व रखता है। पूजन की समाप्ति जो है, जो हम 9 दिन तक जय, पहला दिन जो हम कलश में के नीचे जो जय जमाते हैं वह जय की पूजन से हो, और कलश अंतिम दिन जो है नवम सिद्धिदात्री, आपको थोड़ा सा शॉर्ट में भी बता दें कि सिद्धिदात्री देवी हैं कौन, जब माँ दुर्गा के नवे रूप की आराधना भगवान शिव ने स्वयं किया, माँ की पूजन किया, तो माता ने उनको आशीर्वाद दे करके उनके अंदर नारी स्वरूप में आ गए और भगवान शिव अर्धनारीश्वर में आ गए, तो उसी अर्धनारीश्वर स्वरूप को ही माँ ललिता देवी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी कहा जाता है, जो सभी सुखों को देने वाली हैं। इसी में कहा गया, सिंदूरारुण विग्रहाम त्रिनयनाम माणिक्य मौली अश्वपुरा तारानायक शेखराम अश्वमित मुखीन मापीन बक्षोरुहाम पाणिभ्या मलपुरत्न चस्कम रक्तोत्पलम बिभ्रतिम सौम्या रत्न घटशरणाम ध्यायत पराम्बिकाम अरुणाम करुणाम तरंगिताक्षी धृत पाशांग कुशपुष्पाण चापाम अणिमादिभिरावृताम मयूखर अमित विभाव भवानी। माता का यह जो नवा स्वरूप है, उनकी विशेष रूप से पूजा, पूर्णावती से पहले हवन, तर्पण, मार्जन, और जो ब्राह्मण पूजा करा रहा है उसको भोजन, उसको दक्षिणा, इसके बाद पूजा की पूर्णावती, हम कलश को हिलाकर करते हैं, जो जय होता है उस जय को तोड़ते हैं, मंत्रोच्चार के साथ जय को लोग कान पर डालते हैं, आशीर्वाद माता का समझते हैं, इसके बाद हम पूजा की पूर्णावती करते हैं। जी बिल्कुल, और जिस प्रकार से हम माता रानी को अपने घर पे बुलाते हैं समापन के साथ, उसी दिन से मन में ये कामना शुरू हो जाती है कि आने वाले साल में फिर से एक बार माता रानी हमारे द्वार फिर से एक बार विराजमान हो जाए। आचार्य जी, जिस तरीके से आपने समापन की कथा बताई कि कैसे पूजा करना नहीं करना है, जिस प्रकार से पूरे नवरात्रि में अखंड ज्योति का विशेष महत्व है, आपने बताया शाम की आरती का भी विशेष महत्व है, पर कौन से ऐसे मंत्र है जिसके उच्चारण से हमारे जीवन के जो कष्ट है वो नवरात्रों के दिनों में दूर हो जाए? देखिए, कलयुग में जो है वह धन की विशेष महिमा बताई गई है, धन आने के बाद सारी शक्तियों को आप प्राप्त कर लेते हैं, तो धन के लिए विशेष रूप से श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का यह महामंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम क इल ह्रीम ह सक हल ह्रीम सकल ह्रीम, यह जो महामंत्र है, इस मंत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, महालक्ष्मी की कृपा होगी, आपका जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा, आरोग्यमय होगा। जी, और इन नवरात्रों में किन किन चीजों से हमें बचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है? इस नवरात्रि में कोई किसी के आत्मा पर कोई पीड़ा न दे, किसी को कोई दुख न दे, स्त्री नारी जाति को सम्मान करे, किसी नारी का कोई अपमान न करें, कोई जीव हत्या न करें, कोई 9 दिवस के बीच कोई व्यक्ति अगर किसी बुरे लत का हो गया है, उसे मदिरा पान का, वो मदिरा पान वर्जित है, मांस मांसाहार वर्जित है ये 9 दिवस में, जमीन पर अगर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो माता की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। जी बिल्कुल, और कहा यह भी जाता है कि किसी प्रकार का आप पूजा पाठ करते हैं तो मांसाहार का सेवन ना करें, मदिरा पान का, साथ ही साथ 51 शक्तिपीठों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा बन सके अलग अलग शक्तिपीठों में जाके माता का दर्शन करें, माता का आशीर्वाद लें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नवार्ण मंत्र का जप करें, दुर्गा सरस्वती का मंत्र का जप करें, पूरा 9 दिवस जो है वह भक्तिमय कर लें, जीवन को ओतप्रोत भक्तिमय से कर लें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा देवी के स्थान है वहाँ पर भ्रमण करें, दर्शन करें,
उनका पूजन करें, उनको आरती करें, उनसे अपनी अभिलाषा उनके चरणों में समर्पित करें, जीवन धन्य होगा। जी बिल्कुल, जीवन धन्य होगा। और सबसे खास बात यह है कि आपके जीवन की कोई भी परेशानी है, चाहे आप घर परिवार में बहुत ज़्यादा परेशान है, पति पत्नी में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा है, बच्चों को लेकर आप परेशान है, ऑफिस को लेकर परेशान है, या किसी भी प्रकार की समस्या से आप पीड़ित हैं, तो देर मत कीजिए। इस नवरात्रि में आप सच्चे मन से, सच्चे विश्वास के साथ माता रानी की पूजा अर्चना करें, माता रानी जरूर आप पे कृपा बरसाएगी। पर आचार्य जी, जिस तरीके से जो लोग व्रत नहीं रख पाते, स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, पहले और आखिरी दिन जो लोग व्रत रखते हैं, तो पहले दिन का तो आपने बता दिया, पर आखिरी नवरात्रा लोग अष्टमी के दिन भी रखते हैं, आज अष्टमी है, तो आज के दिन जो लोग व्रत रख रहे हैं उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मन क्रम वचन से व्रत रखा जाता है। व्रत में फलाहार करें, माता का जितना ज्यादा से ज्यादा नवार्ण मंत्र का जप हो सके, नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, यह महामंत्र है। इस मंत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जप करें, माता के अलग अलग स्वरूपों को ध्यान करें, चिंतन मनन करें, देवी की कृपा प्राप्ति के लिए दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें, विशेष रूप से माता की कृपा होगी। और अष्टमी को उपवास करके या फलाहार करके नवमी को हवन करने के बाद अपने व्रत को उद्यापन करें, व्रत को खोलें, पारण करें, तब ज्यादा लाभकारी है। जी, और आजकल की तो भागती दौड़ती जिंदगी में लोग इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि बहुत ज्यादा पूजा पाठ में टाइम नहीं दे पाते हैं, वक्त की कमी कहे या मन नहीं लगता, भागा दौड़ी होती है, उन लोगों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन लोगों के लिए मैं यही बताना चाहूंगा कि अगर आप भाग दौड़ में है तो भाग दौड़ करते करते कुछ शक्ति पीठों का दर्शन कर लें, जैसे माँ विंध्यवासिनी का दर्शन कर लें, माँ कामाख्या का दर्शन कर लें, माता वैष्णो देवी का दर्शन कर लें, माँ बगलामुखी का दर्शन कर लें, माँ चित्तपूर्णी का दर्शन कर लें, माँ ज्वाला देवी का दर्शन कर लें, तिरुपति भगवान का दर्शन कर लें, वहाँ महालक्ष्मी का दर्शन कर लें, छिन्नमस्तिका का दर्शन कर लें, बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर लें, देव स्थान का दर्शन कर लें, सब तरह का व्रत पूर्ण हो जाएगा सिर्फ दर्शन मात्र से ही। ज़्यादा भक्ति और ज़्यादा देर तक मैं कहूँगा कि 6 घंटा 8 घंटा पाठ करना है, वो नहीं बन सकता लोगों से। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तीर्थ कर लें, माता की कृपा निश्चित तौर पर होगी। अपने घर में अगर आपके कलश स्थापन है वहीं पूजा कर लें। दशहरा दुर्गा पूजा में ज़्यादातर बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में जहां देवी का विशेष रूप से मूर्ति स्थापित होता है, सिर्फ मूर्ति दर्शन करके ही माँ भगवती को ध्यान कर लें। और जीवन में एक चीज़ का प्रतिज्ञा करें कि भ्रूण हत्या, कन्याओं का भ्रूण हत्या नहीं होने देंगे। अपने आप में देवी को बहुत बड़ी उपासना होगी, बहुत बड़ी साधना होगी। जी बिल्कुल, आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ दर्शन मात्र से ही आपके जीवन की समस्या दूर हो सकती है। आप जानते हैं कि नवरात्र के पावन अवसर पर देवी माता के जितनी भी मंदिरें इस भारतवर्ष में है, भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ही धूमधाम से नवरात्र का त्यौहार मनाया जाता है, चाहे वो अष्टमी हो, नवमी हो, दशमी हो, या नवरात्र का पहला ही दिन क्यों ना हो, शुरू से लेकर आखिरी तक नवरात्र का जो त्यौहार है वो महात्यौहार के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। लोग अपने घर में माता रानी को विराजमान कराते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, मंदिरों तक जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि बस एक बार माता रानी के दर्शन हो जाए। और माता रानी के दर्शन मात्र से ही आपके जीवन की जो भी छोटी बड़ी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती है। पर इस बार की जो नवरात्रि है वो शारदीय नवरात्रि है, और कहा यह भी जाता है कि शारदीय नवरात्रि का बहुत ज्यादा महत्व है, उसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, शारदीय नवरात्र इसलिए कहा जाता है कि यह शरद ऋतु में मनाया जाता है, यह शरद ऋतु का महीना है, इसलिए शारदीय नवरात्र है। और इसका विशेष महत्व यह है कि घरों घर में जो है माँ दुर्गा की मूर्ति की प्रतिष्ठापना लोग करते हैं। ऐसे 4 नवरात्रि होती है जिसमें 2 गुप्त और 2 दृश्य होती है। चैत्र के नवरात्रि में चूँकि गर्मी का मौसम होता है भारत में, लोग जो है व्रत नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा लोग जो है फलाहार या उपवास नहीं कर सकते, और यह जो मौसम है उसमें उपवास कर सकते हैं, इसलिए शारदीय नवरात्र ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लोग माता के विशेष रूप से पूजन करते हैं, मौसम भी अनुकूल होता है, और शरद ऋतु का यह विशेष रूप से माता का पूजन का समय है, इसलिए शारदीय नवरात्र आश्विन मास का शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पहली तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक का यह पूजन जो है विशेष रूप से लाभकारी हो जाता है। और इस वर्ष जो नवरात्रि है जिसमें 2 सोमवार पड़ रहा है, 4 सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ रहा है,
अमृत योग पड़ रहा है, यह अपने आप पे बहुत ज़्यादा लाभकारी है। माता का आगमन हाथी पर बैठकर हो रहा है और गमन जो हो रहा है, माता जब जा रही हैं तो घोड़े पर बैठ के जा रही हैं, यह जो है युद्ध का संकेत भी देता है। हालांकि युद्ध ना हो, देश दुनिया में शांति स्थापित हो, यही कामना है। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में आए, दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी। पर जाते जाते आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आज आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। माँ भगवती की पूजा करें और पूरे मनयोग से पूजा करें। भगवती की पूजा अपने घर से शुरू करें, अपने घर की देवियों को, पत्नी को, माता को, बहनों को, बेटियों को, दादी को, सबका सम्मान करें। किसी का मन को दुखी ना होने दें, किसी को कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ घर में जो है पूजा का माहौल सात्विक बने, घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, और देवी माता को मान सम्मान के साथ बुलाएं और माता को विदा जो है वह मान सम्मान के साथ पूजा पाठ करते हुए, ज्योत को जलाते हुए विदा करें। यही हमारी शुभकामना है, यही हमारा संदेश है। जी बिल्कुल आचार्य जी, आप इतना वक्त निकालकर R9 टीवी के स्टूडियो में आए, इतना वक्त दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। तो सुना आपने आचार्य जी से कि किस प्रकार से इस बार की नवरात्रि बेहद खास है, कैसे आप अष्टमी के दिन माता गौरी की पूजा अर्चना करें, कैसे माता रानी को प्रसन्न करें, किस प्रकार के मंत्रोच्चारण के साथ आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं, क्या चढ़ाए क्या ना चढ़ाए। फिलहाल नवरात्रि के स्पेशल कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।